नहाए खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व चार दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। अहले सुबह गंगा स्नान के लिए व्रतियों की भीड़ उमड़ी रही। भागलपुर की सुल्तानगंज गंगा घाट, बरारी पुल घाट, महादेवपुर घाट समेत कई गंगा घाटों पर लाखों व्रतियों की भीड़ उमड़ी रही। भागलपुर, दुमका, गुड्डा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई और वांका से व्रती स्नान करने पहुंचे। गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। SDRF की टीम को तैनात किया गया है, लेकिन घाटों को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। बरारी गंगा घाट पर व्रतियों को गंगा स्नान के बाद दलदल से बाहर आना पड़ा। यहां प्रशासन की लापरवाही सामने आई। यही नहाने आए हैं, स्नान आज से पूजा शुरू हो जाएगा हम लोग का। अब पूजा करेंगे 20 तारीख से, मतलब निस्तार होगा, आज से शुरू हुआ पूजा। और क्या मैया गुलाटे पूरी करती है? जी जरूर करेगी, दिल से मांगेगा तो पूजा करे जरूर मांगे। हम 2003 से कर रहे हैं छठ पर्व, अभी तक कर रहे हैं। आस्था है छठ में? बहुत आस्था है, कहाँ नहीं आस्था रहेगा। हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। आज गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज खरना है, कद्दू भात है, और ये छठ पर्व की बहुत ही महत्व होता है ना। तो लोग जो भी खाए पिए रहते हैं, आज गंगा स्नान करके हम लोग पवित्र होते हैं, और उसके बाद आज घर में खरना पूजा होगा, कद्दू भात होगा, और इसीलिए गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाया। आज व्रती पवित्र स्नान के बाद कद्दू की सब्जी, अरवा चावल का भात, चने की दाल, आंवले की चटनी, लौकी का बजका बनाई और प्रसाद ग्रहण की। शनिवार को खरना और रविवार को संध्या कालीन अर्घ्य दिया जाएगा। उसके अगले दिन अहले सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार में छठ के दौरान एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। कहा जाता है कि छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक आस्था और इमोशन है, जिसके साथ लोग बेहद दिल की गहराई से जुड़े हुए हैं। छठ का त्यौहार महज सेलिब्रेशन नहीं बल्कि यह एक तरीका है प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का। नहाए खाए के साथ आज से चार दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया। महापर्व छठ को लेकर कद्दू के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी। जो कद्दू दो दिन पहले 10 से 15 रुपए प्रति पीस बिक रहा था, वही कद्दू 30 से 40 रुपए प्रति पीस बिका। छठ व्रती काफी नेम निष्ठा के साथ आज नहाए खाए के दिन कद्दू भात का प्रसाद तैयार की। वहीं सराय चौकी के रहने वाले गीता देवी ने बताया कि इस पर्व का एक अलग ही महत्व है। आस्था का महापर्व छठ हम लोग काफी नेम और निष्ठा से करते हैं। आज नहाए खाए के दिन हम लोगों ने कद्दू भात का प्रसाद तैयार किया और सभी लोगों ने इसका प्रसाद ग्रहण किया। कद्दू भात खाकर हम लोगों का शरीर और मन भी स्वस्थ और शुद्ध होता है। इस पर्व करने से जो है सुहाग, बच्चे बाल बच्चा सुखी संपन्न रहते हैं, शरीर निर्मल काया बना रहता है। कद्दू भात का क्या महत्व? कद्दू भात का महत्व है कि शरीर जो है आपका शुद्ध होता है इसको खाने से। नहाए खाए का यही मतलब है कि एक दिन पहले लोग लहसुन प्याज वो जो नमक होता है वो सब छोड़ वर्जित हो जाता है। आज के दिन सिंधा नमक खाया जाता है, हरी मिर्च खाया जाता है, लाल मिर्च का उपयोग नहीं होता है। इस यही महत्व है कि इस दिन से छठ माई का जो है पर्व शुरुआत हो जाता है। मैं सुबोध कुमार शाश्वत प्रपति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे, पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, अंग डेवलपर्स 0 माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहरवासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। द
दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स, सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में। तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कहते हैं छठ पर्व में न जाति देखी जाती है न धर्म देखा जाता है। बगैर किसी भेदभाव के हर जाति धर्म के लोग महापर्व को संपन्न कराने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही नजारा भागलपुर में देखने को मिल रहा है, जहां मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म के रक्षा कवच बद्धी माला का निर्माण कर रही है। काजीचक की रहने वाली सलीमा खातून यास्मीन उनकी बच्ची छठ पूजा के लिए बद्धी बनाने में जुटी है। बिना किसी भेदभाव के पूरी शुद्धता के साथ मुस्लिम महिलाएं बद्धी का निर्माण कर रही है। इसके लिए उन्हें बाजारों से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। बद्धी निर्माण करने वाली महिलाएं बताती हैं कि दर्जनों मुस्लिम परिवार इस माला को बनाते हैं, ये काम कई सालों से होता आ रहा है। पुश्तैनी काम है। अनंतोया डोरा और जितिया बंधन आदि का निर्माण भी यहाँ की महिलाएं करती हैं। काजीचक लोहापट्टी हुसैनाबाद और नाथनगर की दर्जनों मुस्लिम महिलाएं पर्व के मौके पर बद्धी का निर्माण करती हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? बद्धी बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? छठ के लिए। छठ पूजा के लिए। कब से कर रहे हैं ये काम? कब से कर रहे हैं मतलब आज से नहीं, हम लोग का तो सब पीने का काम है। कितने देर बनाते हैं? कितने देर तक बनाते हैं ये बद्धी? हो गया दिन भर में 4-5 घंटा। अभी ऑर्डर आया होगा छठ को लेकर? हाँ आया हुआ ऑर्डर, इसीलिए तो बन रहा है। पूरा परिवार मिलकर? पूरा परिवार। कहाँ कहाँ से ऑर्डर आप लोग को मिलता है? बाहर से भी आता है ऑर्डर। हाँ। फिर यहाँ भी, यहाँ से भी ऑर्डर मिलता है, अगल बगल से महिला दुकानदार लोग देता है। पूरा तन मन के साथ बना रहे हैं। शुद्धता का ख्याल रखते हैं? हाँ सब चीज का ख्याल रखते हैं हम लोग। अभी क्या कर रहे हो? अभी हम लोग बद्धी बना रहे हैं। मेरा पा गया है ना, तो इसलिए बद्धी बना रहे हैं और दादा के समय से बनाते आ रहे हैं। अभी किनका मदद कर रहे हो? अभी हम लोग अम्मी का मदद कर रहे हैं। कब समय मिलता है? जब समय मिलता है तो अम्मी लोग का मदद कर देते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद अपना पढ़ाई करते हैं। ये नहीं लगता कि हम लोग मुस्लिम हैं और हिंदू लोगों के पर्व का बना रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग में कोई भेदभाव नहीं। अपनी क्वालिटी सर्विस के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय बेला एंड केन सैलून का नया स्टोर मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में खुल चुका है। मेल और फीमेल के लिए ब्यूटी और सैलून की सर्विस देने वाले यूनिसेक्स सैलून बेला एंड केन सैलून का भागलपुर के बोस पार्क एमजी रोड में 16 नवंबर को भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, मेयर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, सोइन अंसारी, जावेद मोहम्मद, जियाउर रहमान, सत्यनारायण शाह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेला एंड केन सैलून के प्रोप्राइटर असद इकबाल और शहबाज नदीम ने सबों का स्वागत बुके देकर किया। यहाँ आपको बता दें, प्रोप्राइटर शहबाज नदीम इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है, जिन्होंने अपने भाई असद इकबाल के साथ मिलकर ये बेला एंड केन सैलून की शुरुआत भागलपुर में की है। प्रोप्राइटर ने बताया कि सैलून में मेल और फीमेल के लिए सभी तरह की सर्विस उपलब्ध है, खासकर ब्राइडल मेकअप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। अलग है, नीचे जेंट्स के लिए है। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भागलपुर में वो सुविधा सारे
बच्चे बच्चियों को मिलेगा जो कि दूसरे स्टेट में मिलता है, बड़े बड़े शहरों में। इसलिए भागलपुर में मैं जो भी खोले हैं इनको पूरी बधाई, पूरे परिवार को बधाई। नाम तो जानते हैं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन पूरी बधाई। और मैं समझता हूँ कि ये लोग ढंग से चलाएंगे और चलाने के बाद ये पूरा भागलपुर को गौरवान्वित। ये यूनिसेक्स सैलून है, इसमें मेंस वोमेंस उनके सारे सर्विसेस यहाँ पे हैं। वैक्स है, कैरेटिन है, और हेयर से लेके बॉडी से लेके हर तरह की जो भी सर्विसेज आजकल यूनिसेक्स सैलून में होते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये ब्रांच इससे पहले मुजफ्फरपुर और धनबाद में था, ये भागलपुर का पहला ब्रांच है बेला एंड कैन। और हम लोगों की कोशिश है कि भागलपुर के लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के साथ अच्छी क्वालिटी वाली सर्विस मिले, जिसके लिए ये बेला कैन जाना जाता है। इसीलिए हमने भागलपुर में ऑन किया है ताकि हम एक अच्छी सर्विस से भागलपुर के लोगों को सेवा कर सकूँ और उन्हें खुश कर सकूँ। एक बेला एंड कैन नाम का सलोन है जो ऑलरेडी हमारा ये सलोन हमारा मुजफ्फरपुर में है, और ये हमारा दूसरा ब्रांच है जो हम भागलपुर में ओपन किया है। और ये हम लोग कोशिश करते हैं सलोन में जो सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट जो हम बाई करते हैं, परचेज़ करते हैं, उसमें कोई भी हम कोताही ना करें, वो परफेक्ट और सही जगह से आए, क्योंकि इस लाइन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सलोन में मैं क्वालिटी और अपने सर्विसेज से अपने सलोन का नाम मेरा आगे बढ़े। और वैसे ये जो ब्रांड है ये मेरा और मेरा एक भाई है छोटा, उसका नाम शहबाज नदीम है, शायद आप लोग उसको जान रहे हो। भारतीय क्रिकेटर है, इंडियन टेस्ट प्लेयर है आफ्टर धोनी, एंड ही हैज़ रिप्रेजेंट, मतलब इसने इंडिया के लिए टेस्ट खेला है, T20 और वनडे स्क्वाड में भी था। तो हम दोनों का एफर्ट है कि एक बेला एंड कैन सलोन अपने शहर भागलपुर में भी दिया जाए और यहाँ के लोगों को भी अच्छे से अच्छे सर्विसेज और उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का भी एक जो भी फ़ायदा होता है उनको वो दिया जाए। एक जोन है जिसमें इस लड़कियों को आके, लेडीज़ को आके जो भी अपनी सर्विसेज लेना है, जैसे पेडिक्योर हो गया, मैनिक्योर हो गया, फेशियल हो गया, हेयर स्पा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे सलोन में हो रही है और इनके लिए एक अलग सुविधा दिया गया है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लड़कियाँ थोड़ा सा शर्माती हैं कि अलग जोन हो उनका, बट यहाँ पे एक अच्छा अलग जोन है, उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाएगा। और हाँ, साथ में हमारा ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल ट्रेंड हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे आपको मेकअप कराया जाएगा और बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप होगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहो, एक बार आप बेला एंड कैन ज़रूर विज़िट करो, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा और आपका ब्राइडल डे भी बहुत अच्छा होगा। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपने सगे भाई ने ही सगे भाई को कुल्हाड़ी से कई प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। गोपालपुर के रहने वाला मृतक योगेंद्र यादव चार भाई है, जिसमें तीन भाइयों ने मिलकर चौथे भाई योगेंद्र यादव की कुल्हाड़ी से मार मार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया। स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, जमीन विवाद 35 वर्षों से चल रहा था, उस पर धारा 144 भी लगी हुई थी। जबरन तीनों भाई उस पर मकान बना रहे थे और चौथे भाई को जाने से मना करते थे, साथ ही मार डालने की धमकी देते थे। अंततः कलयुगी तीनों भाइयों ने मिलकर चौथे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस घटनास्थल में पहुंची और सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने अपराधी तीनों भाइयों को जेल भेज दिया। बता दें, दोनों तरफ से केस फाइल किया गया था, दोनों तरफ के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लिया चरकटिया बसोबास है, तब वो हो गया 35 साल, उसमें 44 करते हैं, नोटिस आ गया तैयो वो नहीं मान दिया, घर बना रहा है। थाना पुलिस करते करते थक गया, नहीं है थाना पुलिस, वो उसको भाई बिहार पुलिस है, थाना को रोक देता है। तब बड़का उड़ी जो 15 कट्ठा साहब चारों भाग रहे, तीनों भाग छेक ले के, जे दिन छकल के वे दिन तीन दाह में ट्रैक्टर लेकर हमारे मालिक के लिए जोतै ले, नहीं जोता दिलके, कलके जोत भैन का कुल हरिया से काटब जात हमरो बड़का भैंसुर छकल के। तब फेनो वे दिना ने तीन दाह गए नहीं जोता दिलके, तब शुक्र के गए 10 तारीख का सवेरे गए जोतै ले,
बस मार हुए लगले कुल हरे से काटी दल के खाली हमरा पति का हमारे जाते है ना गौतम यादव अमरजीत बा यादव के छै तो ब्रह्मदेव यादव बोले ब्रह्मदेव यादव बड़का बुझ के बड़का भैसुर होले चारों भाइये होले भैयारिये में झगड़ा होले बोटलो खेत छै बोटलो खेत छै की लेल कोन थाना पड़े छै गोपालपुर कहाँ गेल छलो हां की बोलके थाना में मायागंज भेजी दिलके सगरे एकदम माथा तथा सगर काटी दिलके ये काटी दिलके हम छे पीठ चुतर काटी दिलके कुल्हाड़ी से हाँ कुल्हाड़ी से यहाँ कहिया मरलो मरले के या यहाँ मरले थी काल है काल शाम में हाँ काल शाम में मरले तोरो की नाम भले हमारे वाले नाम सुअर देवी पति रो नाम कुछ है जोगिंदर बाल बच्चा कैठो चित्रा दो लड़की हमारे लड़का का पार भोंगी दल के जेल है मुझे लड़का तो जेल हाँ बरका लड़का वो कैन है जेल में हाँ कपारे इतना भोंगी दल ट्रिपल आईटी में काम कर रहे मजदूर अपने कई दोस्तों के साथ आज गंगा स्नान करने और नहाने के दौरान डूब गए। सभी दोस्त उसे देखते रह गए लेकिन बचा नहीं पाए। युवक की पहचान कदवा जंगली टोला ढोलबज्जा थाना अंतर्गत नवछिया के रहने वाले बम कुमार के रूप में हुई है। घटना तकरीबन 6 बजे सुबह की बताई जा रही है। वही घंटों SDRF की टीम का लोगों ने इंतजार किया लेकिन खबर लिखे जाने तक SDRF टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची। सभी मजदूर आक्रोशित हैं। कंचन कुंज शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा महापर्व छठ पूजा के उपलक्ष्य पर पूजन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें केले की खानी, गन्ना, अगरबत्ती, माचिस सैकड़ों लोगों को वितरित किया गया। पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड के अनमोल शेखर ने कहा कि बिहार का यह बहुत बड़ा पर्व है जिसे हम प्रकृति से जोड़कर संजोने का काम करते हैं। ऐसे पर्व में नियम निष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको लेकर हम लोगों ने आज छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जदयू के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी सुपाल भारती के अलावे दर्जनों शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मौजूद थे। कंचन कुंज शैक्षणिक सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से आज छठ पूजा आस्था का महापर्व है, उसके शुभ अवसर पर पूजा सामग्री का वितरण आज राधा कृष्ण ठाकुरवारी प्रांगण उर्दू बाजार में किया जा रहा है, आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे अभिभावक बड़े भाई रिटायर्ड प्राचार्य शिव रजक साहब, बड़े भाई पंकज चौधरी साहब, योगेंद्र महत्व जी, प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह, माधवानंद माधव जी और महानगर शिक्षा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष अनमोल शेखर जी, राजूलाल यादव जी, आत्माराम यादव जी, संजीव यादव जी, सबों के सहयोग से विकास यादव जी, सबों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें इन लोगों की सहभागिता है, भूमिका है और इन तमाम अभिभावकों को और साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इस तरह के पुनीत कार्यों में इन लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है, इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। लगभग कितने व्रतियों को बांटा जाए? लगभग 100 के संख्या में केला का खानी और उसी तरह 5 क्विंटल के आसपास केतारी और अगरबत्ती और माचिस 4 सामग्री का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी यहाँ किया गया था, अगले वर्ष और अधिक से अधिक सामग्री का वितरण हम लोग करेंगे। भागलपुर ट्रेन में कई हादसे होते हैं, जैसे नशा खुरानी, कानून व्यवस्था, साइबर फ्रॉड, इसको लेकर GRP काफी सजग हुई और लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए कई बिंदुओं पर जागरूक करने का काम कर रही है। GRP नशा खुरानी, कानून व्यवस्था, साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में हुए कार्यक्रम देखने के लिए यात्रियों की भीड़ जमा रही। GRP प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नशा खुरानी से बचने के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। यात्री जागरूक होंगे तभी अपराध में कमी आएगी।